नमस्कार, इंडिया कनेक्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। गुजरात में नशीली दवाओं का कारोबार बढ़ता जा रहा है। राज्य में ड्रग्स बनाने वाली कंपनियां भी हाल ही में पकड़ी गई हैं। अब अहमदाबाद एसओजी क्राइम ब्रांच ने कंपनी की बुजुर्ग महिला डीलर और उसके एमडी का ड्रग्स की भारी मात्रा के साथ गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से 33.310 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई है। राकेश कुमार यादव हमारे संवाददाता अहमदाबाद से इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। राकेश, जानकारी मिल रही है कि एक बुजुर्ग महिला को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है, जानकारी क्या मिल रही है? जी बिल्कुल, जानकारी दे दिया जाए कि एसओजी के डीएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि अमीना बानो जो लतीफ डॉन के टाइम पे जो दारू का इंग्लिश दारू का धंधा करते थे, आज की तारीख में वो ड्रग्स डीलर, सबसे बड़े ड्रग्स डीलर की पहचान हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने काफी मात्रा में ड्रग्स यानी एमडी मुद्रा पोर्ट से लेकर और अहमदाबाद के कई जगहों पर यह बेचने का कारोबार चलाती थी। राकेश, और इनसे किस तरीके की जो है इनपुट्स मिल रहे हैं? जांच पड़ताल में, पूछताछ में कुछ और कहीं से तार जुड़ने की बात सामने आ रही है क्या? जी, अभी तो पुलिस की जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसंधान में अभी तपास चालू है और उनके साथ उनके एक सागरित का भी नाम आया हुआ है जो उनके साथ मिलकर ये ड्रग्स मामले को अंजाम देते थे। कालूपुर के रहने वाले थे ये और उनका नाम भी जो उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, समीर उर्फे बांदा नाम का एक व्यक्ति था जिसके साथ मिलकर ये ड्रग्स का पूरा कारोबार अमीवा बानू। इनके नेटवर्क की बात कर राकेश, कहां तक फैला हुआ है ये जो ड्रग्स का इनका कारोबार है, कितने इलाके में ये लोग इस प्रकार के जो है घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे? जी, जिस तरह से पुलिस अधिकारी बता रहे हैं उस तरह से अगर हम देखने जाएं तो पूरे गुजरात के अंदर ड्रग्स का कारोबार काफी समय से हो रहा है और ड्रग्स का कारोबार लगभग 8-10 साल से हो रहा है और अमीना बानो जो लतीफ के टाइम पे जो उनके साथ इंग्लिश दारू के धंधे के अंदर सक्रिय थी, उनको दारू के केस के अंदर 10 साल तक कस्टडी में लिया गया था, यानी इनको जेल कारागार भी हुआ था। उसके बाद 2011 में जब वो छूट के आई जेल में से, तब उन्होंने ये एमडी का कारोबार और समीर के नाम साथ में मिलकर इन लोगों ने चालू किया था। और अभी पुलिस की जानकारी जो पत्रकारों को मिल रही है वो इस हिसाब से है कि इसके अंदर कई लोग हैं जो बड़े लोग भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल भी हो सकता है इसके अंदर, जो इन सबके सर पर हाथ रख के ये सब धंधे को अंजाम दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रैकेट भी इसमें क्या हो सकता है शामिल? राकेश बताएं, क्या इसके तार किसी दूसरे देश के साथ भी जुड़े हो सकते हैं? जी, अभी इसकी जानकारी पुष्टि पुलिस के द्वारा नहीं हुई है, लेकिन इतना बताया गया है कि मुद्रा पोर्ट जो है गुजरात के अंदर, वहां से ये सब ड्रग्स का कारोबार आ रहा है और कौन लोग इनके अंदर शामिल है, कितने लोग हैं, कहां से किस तरह से आ रहा है उसकी बिल्कुल ये भी जांच का विषय। राकेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है, पूछताछ जो पकड़े गए आरोपी उनसे की जा रही है। ड्रग्स की भारी मात्रा में खेप बरामद की गई है, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे तमाम तरह की बातें पूछी जा रही है। राकेश हमारे संवाददाता इसको लेकर जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, शराब नीति को लेकर